हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक और केक रेसिपी लेके आई हूँ, जो बहुत झटपट बन जाएगा और ये बहुत टेस्टी भी होगा। तो ये केक बनाने के लिए ना, मैंने यहाँ पे लिया हुआ एक पैन, उसमें मैंने डाला है 2 टेबलस्पून बटर के, 1 टेबलस्पून घी डाली हुई देसी घी। आप चाहें तो यहाँ पे सिर्फ ऑयल ही यूज़ कर सकते हैं, मतलब जो आपके पास हो आप वो डालें। और फिर यहाँ पे हमने लेना है 1 कप सूजी। तो आप समझ ही होंगे कि ये किस टाइप का केक होने वाला है। तो ये केक मैं उन लोगों के लिए बना रही हूँ, मतलब जिनसे केक का बैटर नहीं बनता बट स्टिल उन्हें केक बनाना होता है बर्थडे पार्टीज़ में या फिर ऐसे भी, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं, इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको करना क्या है कि इसको अच्छे से रोस्ट कर लेना है। फिर इसमें आपको डालना है 1 कप मिल्क, जो कि बहुत ज़्यादा गाढ़ी होनी चाहिए, उसमें मलाई होनी चाहिए, मतलब ओवरऑल की काफ़ी फैटी मिल्क होना चाहिए, वो काफ़ी अच्छा टेस्ट देगा इसको। तो अच्छे से जब आपका गोल्डन हो जाए तो उसमें आप ऐसे दूध डाल दीजिए, उसको हल्का सा चला लीजिए। फिर आपको इसमें डालना होगा 1/2 कप चीनी। चीनी का जो अमाउंट है वो आप अपने हिसाब से देख लेना, कितना मीठा पसंद है आप लोगों को, और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। फिर इसमें आप डालिएगा ये कार्डामोम, जो कि हमारा इलायची होता है। इसके अलावा आप चाहें तो कोई और फ्लेवर भी डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो। इसको अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए और इसका जो मॉइस्चर है उसको थोड़ा एब्जॉर्ब होने दीजिए। तो यहाँ पे मैं येलो फूड कलर डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है टोटल, और मैं तो यही कहूँगी कि आप मत डालना क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज़ नहीं होती फूड कलर। तो यहाँ पे फूड कलर डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, काफ़ी ड्राई हो जाएगा। फिर यहाँ पे मैं ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ, आप चाहें तो ये ड्राई फ्रूट्स को पकने के टाइम में डाल सकते हैं, मतलब जिसको जैसा पसंद हो। मेरे को तो थोड़ा क्रंची पसंद है इसलिए मैं इसको लास्ट में डालती हूँ। फिर आपको करना नहीं है, इसको करना क्या है, मतलब अच्छे से मिक्स कर लेना है। और यहाँ पे मैंने ये 2 बाउल लिए हुए हैं, आप चाहें तो कोई भी मोड ले सकते हैं, बर्तन, थाली, कुछ भी जो आपको अच्छा लगे, जैसा आपको शेप देना हो। तो मेरे को ये काफ़ी सही लगा, ये प्लेट्स थोड़ी कटोरी टाइप की थी तो मैंने यही लिया हुआ है। इसमें हल्का सा ऑयल ग्रीस करके ना, ये जो आपने बनाया है हलवा बेसिकली, जो कि कुछ टाइम बाद केक बनने वाला है, इसको अच्छे से आपको अंदर इसके सेट कर देना है और इसको फ्रीज़ कर देना है 10-15 मिनट के लिए। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रखना है, ये आराम से सेट हो जाएगा। और इसको ज़्यादा गीला मत रखना वरना फिर मुश्किल हो सकता है सेट होने में। और यहाँ पर मैं विप क्रीम ले रही हूँ, मेरे पास बची हुई थी। तो ये भी अगर आपको समझना हो कि विप क्रीम कैसे बनती है तो आप मेरे बाकी जो केक वाली वीडियोज़ हैं वहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर मैं अब ये जो विप क्रीम है इसको एक पाइपिंग बैग में डाल रही हूँ डेकोरेशन पर्पज़ के लिए। तो यहाँ पर जो ये आइडिया था मेरा पूरा केक का वो यही था सिर्फ, कि बहुत बार लोग जो होते हैं वो नॉर्मल केक नहीं बना पाते हैं, प्रॉपर बैटर वाला जो केक होता है, तो आप इस केक को भी बना सकते हैं और बस सिंपली इसको विप्ड क्रीम से डेकोरेट कर दीजिए। तो ये काफ़ी अच्छा लगेगा और बच्चे जो होते हैं उनको भी काफ़ी अच्छा लगेगा। मतलब ये ओवरऑल एक बहुत इंस्टेंट और बहुत झटपट सी रेसिपी है जो आप 10 मिनट में बना लोगे, डेकोरेट भी कर लोगे और इसको इंजॉय भी कर लोगे बर्थडे में या फिर किसी भी पार्टी में। और ये देख सकते हैं, ये हमारा जो केक है वो इतने आराम से डीमोल्ड हो गया। अब आपको करना क्या है, इसको डेकोरेट करना है। तो ये जो डेकोरेशन पार्ट है ये भी आप पे ही, आप कैसा इसको डेकोरेट करना है तो ये आपके ऊपर है, आप इसको कैसा डेकोरेट करना चाहते हैं। मुझे ऐसा थोड़ा सिंपल अच्छा लगा तो मैंने वाइट ही क्रीम यूज़ की है, आप कलर्ड क्रीम यूज़ करके फिर चॉकलेट, मतलब कुछ भी जो आपको पसंद हो वैसे आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। ऊपर से इसमें मैं थोड़ा सा केसर डाल रही हूँ और ये ऊपर से मैंने थोड़े से स्प्रिंकल भी डाले हुए हैं इसका थोड़ा और लुक बढ़ाने के लिए। और यहाँ पर मैं साइड में भी थोड़ा सा क्रीम से डेकोरेट करूँ, मुझे हल्का सा फीका लग रहा था। तो ये फाइनली आप देख सकते हैं ये जो केक वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये मतलब ऐसे तो कोई नहीं कह पाएगा कि ये हलवे का केक है, बट एक अच्छा अल्टरनेट है जल्दी से केक बनाने के लिए, सजाने के लिए और दिखाने के लिए भी। तो अब इसको हम कट करके देखते हैं कैसा है ये। तो ये मैं टेस्ट में बता रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी था और ये दूध का बना हुआ है प्योर, तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। तो आप प्लीज़ इसको ट्राई करना और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना, नहीं है तो सब्सक्राइब करना। बाय बाय, टेक केयर।